जिले में अवैध नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन एक मुहिम बनाकर चल रही है। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर चिरमिरी पुलिस ने हल्दीबाड़ी के हीरागिरी स्टेडियम से 3 युवक ब्राउन शुगर की बिक्री करते हुए पकड़े हैं, जिसमें से एक युवक मौके का फायदा उठाकर भाग गया। आपको बता दें कि कोरिया जिले में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री पर अंकुश लगाते हुए कोरिया जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह और उनकी पुलिस व्यवस्था हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर हल्दीबाड़ी हीरागिरी स्टेडियम से 3 युवक ब्राउन शुगर की 20 पुड़िया सहित काबू किए गए, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। बताते चले कि पुलिस 2 आरोपियों को पकड़ने में सफल रही है, वही एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर भाग निकला है, जिसकी पुलिस खोजबीन कर रही है। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। पकड़ा इसके विषय में पूरी जानकारी देंगे। हीरागिर हल्दीबाड़ी में स्टेडियम ग्राउंड में, वहाँ बहुत दिनों से सूचना आ रही थी कि नशेड़ी लोग घूमते हैं, नशा करते हैं। इस संबंध में हम लोग मुखबिर लगाए थे। कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ नशेड़ी जो है पुड़िया में कुछ नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, तो हम लोग स्टाफ के साथ गए वहाँ पर। 3 लड़के जो है वहाँ पर बैठे थे, गतिविधि संदिग्ध लगी उनका, तो उनको पकड़े। उनमें से एक भाग गया। 2 लड़के मिले जिनकी जेब से 20 छोटी छोटी पुड़ियाँ मिली, जिसमें ब्राउन शुगर नशीला पदार्थ था। कितनी मात्रा थी उसकी? उसकी मात्रा थी कुल 2.60 ग्राम, 260 मिलीग्राम। ये जानकारी सर दी कि आखिर लाए कहाँ थे, कहाँ से थे? इसमें एक लड़का भाग गया है, राजू कश्यप नाम का है। बताया जा रहा है कि यूपी से कहीं से लाया था, उसका घर उधर है, तो अभी आया था तो लाया था। किस प्रकार की धारा इस पे लगे उनके ऊपर लगाई जाएगी? इसमें 22 का NDPS एक्ट की धारा लगी हुई है, तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.